फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दाल मखनी। दाल मखनी को बनाना बहुत ही आसान है। दाल मखनी तो सबको बनाना आती ही है, बट हम अपने अपने घरों में अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो मैं वही आज आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको पसंद आएगी। ये मैंने 2 कटोरी उड़द दाल ले ली है, साफ़ कर लिया है इसको अच्छे से। अब मैं इसे उबालने के लिए रख दूँगी। अब मैं कुकर में पानी और उड़द दाल रखती है। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करने के बाद अब इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। ये मैंने प्याज, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन ले लिया है। अब हम मसाला तैयार करेंगे। कढ़ाई ले ली है। 2 चम्मच मैंने देसी घी ले लिया है, आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं। गाय का शुद्ध देसी घी है ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। बाद हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। प्याज को हम अच्छा सुनहरा होने तक भुनेंगे। प्याज को हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे, धीमी आंच में से भुनेंगे। हमारा प्याज भुन के तैयार हो चुका है। अब मैं ये लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। अब हम इसे भी अच्छे से पका लेंगे। अच्छे से इसको मिला लेना है। हमने इसे धीमी आंच में भूनना है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। प्याज सुनहरा हो गया है, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे और टमाटर को भी अच्छे से पकाएंगे। टमाटर को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। ये मैंने 1 चम्मच नमक ले लिया है, ये हल्दी पाउडर ले लिया है और ये थोड़ी सी लाल मिर्च और धनिया पाउडर। मैंने इसमें गरम मसाला नहीं डाला है, आप चाहें तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसे बिना मसाले के बना रही हूँ। अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे, ताकि हमारे टमाटर भी अच्छे से पक जाएं। ये देखिए, हमारी उड़द दाल भी अच्छे से पक गई है और अच्छे से घुल भी गई है। देखिए कितनी अच्छे से पकी हुई है। हमारा मसाला तैयार हो चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे उड़द दाल। ये हमने उड़द दाल
ऐड कर दी है और अब इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से दाल में मिक्स हो जाए और इसे पकाएंगे अच्छे से। अब हम इसे भी 5 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। ये देखिए हमारी दाल बनके तैयार है, कितना अच्छा कलर आया हुआ है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। हरा धनिया डालने से दाल का टेस्ट बहुत अधिक बढ़ जाता है। अभी हमने इसमें मक्खन भी ऐड करना है, तभी तो दाल मखनी बनके तैयार होगी। ये मैंने मक्खन ले लिया, ये इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ा सा इसको मेल्ट होने देंगे बस, फिर हम इसे दाल में ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारा मक्खन मेल्ट हो गया है और ये देखिए हमारी दाल मखनी बनके तैयार है। देखिए कितना अच्छा कलर आया हमारी दाल मखनी का। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।